आजादी के 75 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने आजादी के लिए शहीद हुए स्वतंत्रता संग्रामियों को याद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5000 साल पुराना हमारा इतिहास रहा है और हमें गलत इतिहास की जानकारी दी गई, कई क्रांतिकारियों को भुला दिया गया। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ की और कहा हमारे पीएम अद्भुत नेता हैं, वे पाकिस्तान को भी कोरोना की वैक्सीन दे रहे हैं। भोपाल के शौर्य स्मारक पर आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान हल्की बारिश के चलते उन्होंने सबसे पहले बच्चों से पूछा, आप भीग तो नहीं रहे? उसके बाद वे खुद भी बारिश में आकर खड़े हो गए और संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा 5000 साल पुराना इतिहास रहा है, यह अलग बात है कि हम अपनी कमजोरियों के कारण बीच में गुलाम बने। राजा आपस में लड़ते रहे और व्यापार करने आए अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना लिया। उन्होंने कहा हमें कई तथ्य नहीं बताए गए हैं, कई क्रांतिकारियों को भुला दिया गया है। उन्होंने सभी शहीद हुए क्रांतिकारियों को नमन किया। उन्होंने कहा आज़ादी के बाद हमारे 30,000 सैनिक शहीद हुए हैं, हम चैन से इसलिए बैठे हैं क्योंकि सीमाओं पर हमारे सैनिक डटे हुए हैं, देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हम भी तैयार रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है आत्मनिर्भर भारत और हमने भी कहा है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। शिवराज ने एनसीसी और एनएसएस की तारीफ की और कहा कि मुझे एनसीसी और एनएसएस पर गर्व है, हम प्रदेश के हर स्कूल में एनएसएस और एनसीसी शुरू करने का प्रयास करेंगे। करते हैं तो उनका गर्व है हमारे ऊपर, इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए, आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आज 1930 में दांडी मार्च शुरू हुआ था। एक तरफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह, अहिंसा जैसे अस्त्रों को लेके अहिंसक आंदोलन, और दूसरी तरफ गरज रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे हमारे अमर सेनानी, जिन्होंने सबसे पहले स्वतंत्र भारत की धरती पर मणिपुर में और अंडमान निकोबार में तिरंगा झंडा लहरा के भारत को स्वतंत्र करने का ऐलान कर दिया था। आजाद हिंद फौज का कमाल है। एक एक सेनानी के बारे में, एक एक क्रांतिकारी के बारे में अगर कहें तो घंटों लग जाएंगे। उनने अपनी खून की बूंदों से आजादी को सींचा था, तब हमारा देश आजाद हुआ था। आओ सबसे पहले भारत माता के चरणों में प्रणाम करें और ये संकल्प लें, माँ जब तक हम तुम्हारे बेटा बेटी जिंदा है खून की अंतिम बूंद दे देंगे, लेकिन देश बटने नहीं दिया जाएगा, देश झुकने नहीं दिया जाएगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।